फाइनली निकल गए हैं काठमांडू के लिए। अभी पोखरा चल रहा है, पोखरा में गूगल मैप सेट कर लिया निकलने के लिए। एंट्री और बाहर जाने के लिए मुझे गूगल मैप की ज़रूरत पड़ती है, अदरवाइज़ काठमांडू पोखरा जो है वो बहुत सिंपल है यार। मतलब मैंने देखा कि दो तीन बार मैं घूमा हूँ तो मुझे रास्ते भी याद हो गए यहाँ पर। तो अब तो अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर टूरिस्ट गाइड का काम कर सकता हूँ। कल रात में मेरे ख्याल से मैं 12 बजे 12:30 बजे के आसपास सोया हूँ, पूरा दिन चिल मारा और कुछ भी नहीं किया, जस्ट चिल एंड रेस्ट, क्योंकि काफ़ी लंबे लंबे सफ़र कर लिए थे तो रेस्ट माना बहुत ज़रूरी था। और उन दोनों से मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा, मिला और डैपना से मिलकर अच्छा लगा यार। मतलब काफ़ी अच्छे बंदे थे, काफ़ी सही बंदे थे और यार ऐसा होना चाहिए, मतलब लिबरल थोड़ा सा होना चाहिए, कंजर्वेटिज्म से अब दूर जाना चाहिए, जो पुरानी चीज़ें हैं थोड़ा सा छोड़ते जाना चाहिए, पकड़े मत रहो, बिकॉज एक दिन आपको चले जाना है और सब कुछ यहीं रह जाना है, कोई मतलब नहीं है। सब आप ये सोच रहे हो वो सोच रहे हो, खैर बहुत सारी बातें हैं, हमने बहुत सारी बातें शेयर की, उन्होंने मेरी कंपनी और मैंने उनकी कंपनी को बहुत इन्जॉय किया, मतलब हद से ज़्यादा। और बाकी सब तो बढ़िया है और सफ़र अब चालू हो गया है और अब मैं आपसे मिलने वाला हूँ रोड पर। फिलहाल तो गुड मॉर्निंग है जी और अभी टाइम हो रहा है 8, सुबह के 8 बज रहे हैं, शाम के नहीं बज रहे, सुबह के 8 बज रहे हैं। मौसम बहुत सुहाना है, टेम्परेचर है 26-24 डिग्री सेल्सियस के आसपास और बाकी तो एकदम सब चंगा है जी। आज तारीख है 25 मई 2022। ओ माई गॉड, हिंदी इंग्लिश अगेन मिक्स करने की आदत जाएगी नहीं यार। आदित्य तुम क्या हो, हम तुम्हें नहीं समझ पाते हैं। सुबह सुबह तुम्हारा मूड क्यों ऑफ था ये बताओ पहले तो, क्योंकि शायद वापस लौटना है। धीरे धीरे हम जैसे जैसे सफ़र ख़त्म करने की ओर बढ़ते हैं वैसे वैसे लगता है कि यार क्या ये सफ़र हमेशा नहीं रह सकता, क्या ये गाड़ी हमेशा नहीं चल सकती। बट ठीक है, इसका भी अपना मज़ा है, जाओ काम करो, पैसा कमाओ, उसके बाद फिर घूमने आओ, फिर एंजॉय करो, फिर जाओ। मेरी एक्चुअली मेंटेलिटी यही है कि प्रोफेशन अलग और पैशन अलग। तो मेरे ख्याल से प्रोफेशन जो है वो मेरा टीचिंग है और पैशन जो है वो मेरा घूमना है और रनिंग है, साइकिलिंग है, बाकी सब तो चीज़ें हैं ही। हॉबी के रूप में मैं सिर्फ वीडियोस बनाता हूँ अपने एंजॉय करने के लिए, ताकि मैं फ्यूचर में कभी टाइम मिलेगा, खुदा ना खास्ता कि अपन को अगर सब कुछ सही चलता गया तो ठीक है, कोई बात नहीं है। बट जब भी मैं फ्री बैठा रहता हूँ अपने पुराने दिन को याद करता हूँ, अपने वीडियोज़ को देखता हूँ, अपने फोटोग्राफ्स को देखते रहता हूँ एंड आई एम जस्ट इनटू इट। तो चलिए फिर आपसे मिलते हैं इस ट्रैफिक के बाद। बाहर सुनहरी वादियां हमारा इंतज़ार कर रही हैं, बारिश हल्की हल्की ड्रिजलिंग सी ऐसी हो रही थी, लेकिन मैंने अभी तक ऐसा रेन गियर नहीं पहना हुआ है, बट ठीक है, जो है जैसा भी है, मिलता हूं मैं आपसे आगे। ये खूबसूरत वादियाँ मुझे लुभाती हैं, याद दिलाती हैं उन हसीन राहों में मैं खो ही जाता हूँ, बस गीत गुनगुनाता हूँ, बस गीत गुनगुनाता हूँ। ये हसीन भाई साहब क्या नज़ारे हैं इस जगह के, बहुत ही शानदार। रोड भी अच्छा है यार, सोचा नहीं था कि इतना अच्छा रोड मिलेगा पोखरा से काठमांडू तक का, और काफ़ी अच्छा है। मतलब मैं आई थिंक 60 आराम से मेंटेन कर पा रहा हूँ। ढलान है तो कंट्रोल बहुत ध्यान से रखना पड़ता है, क्योंकि आप जब डाउनहिल जाते हैं तो ज़्यादा कॉन्सनट्रेट फोकस और गाड़ी को कंट्रोल में रखना पड़ता है। अपहिल जाने में कोई दिक्कत या परेशानी नहीं होती है, डाउनहिल में परेशानी होती है, लेकिन नज़ारे बस आपका मन मोह लेंगे और आप उनमें खो जाएं और उसके पहले कुछ हो जाए, इसलिए बहुत ध्यान से गाड़ी चलाना है, ध्यान से। थोड़ा धूल ज़्यादा मिल रही है रास्ते में, बहुत एक जगह तो इतनी धूल थी दिखना बंद हो गया था, बाप रे बाप, वो जगह तो बहुत ही ख़तरनाक थी।
मैं शानदार बोल रहा हूँ उस जगह को, मेरे लिए तो धूल इज लाइक आ हा आई लव धूल। धूल में पले बड़े हैं अपन यार, तो अपने को सब अच्छा लगता है भाई साहब। भाई साहब यहाँ कंस्ट्रक्शन वर्क एक्चुअली चल रहा है, डबल या आई थिंक फोर लेन करने का काम है, इसलिए शायद इतना सारा धूल और ये सब चल रहा है। बाकी तो ठीक है, ट्रैफिक इज़ ओके ओके, उतना भी ट्रैफिक नहीं है। बट यस, ये मेन लेन है, काफ़ी लोग पोखरा से काठमांडू और काठमांडू से पोखरा जाते हैं, इसलिए बसेस की फ्रिक्वेंसी काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी अच्छी है। और मैं तारीफ करना चाहूँगा अपनी जाने मन की, मेरी बाइक, मेरी हिमालयन, परफॉर्मिंग अमेजिंग यार, अमेजिंग। मतलब क्या बताऊँ मैं इसके बारे में, किस तरीके से कंट्रोल है, किस तरीके से बैलेंसिंग है, जवाब नहीं, लाजवाब है ये, बहुत उम्दा, मतलब बहुत ही ज़बरदस्त यार। कहीं पर भी कंट्रोलिंग मैंने देखी हो, इससे अच्छी शायद मैंने कंट्रोलिंग अभी तक नहीं देखी है, या हो सकता है मैंने चलाई ना हो उतनी बाइक्स, लेकिन इसकी कंट्रोलिंग बहुत ज़बरदस्त है। मुझे लगता है ये मेरी परफेक्ट बाइक है, और इससे अच्छा शायद मैं कुछ और लेता तो पता नहीं, उतना अच्छा नहीं कर पाता, लेकिन ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है। और मतलब हर जगह की रोड्स, प्लेन हो, स्लश हो, मड हो, पहाड़ हो, आप बोलो और वहाँ ये कूद जाएगी और चली जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है यार, जस्ट अमेजिंग अमेजिंग। मज़ा आ गया यार। तो सफ़र बहुत शानदार है, सामने देखो पहाड़ यार, वो पहाड़ देखो सामने, क्या मस्त नज़ारे हैं। दो तीन फोटोग्राफ लिए हैं मैंने इंस्टाग्राम पर डालने के लिए, लेकिन ख़त्म नहीं होते, कहाँ कहाँ रुक के फ़ोटो लिए जाएँ, बात ये है। एनीवेज जैसा भी है जो भी है, चलिए इस धूल के गुब्बार से बाहर निकलते हैं, और काठमांडू पहुँचने में शायद मुझे भी आई थिंक 128 या 130 किलोमीटर और बचा होगा, और मुझे लगता है कि 12 बजे तक मैं शायद टच कर जाऊंगा। मैंने प्लानिंग दो दिन की है, आज और कल रुकने की, बट अगर मैं आज 12 बजे पहुंच गया तो पता नहीं, मैं प्लानिंग शायद चेंज कर दूं या रुक जाऊं, अभी मुझे कुछ कंफर्म नहीं है, कुछ पता नहीं है, क्योंकि टाइम है मेरे पास, तो मैं सोच रहा हूं कि अच्छे से एक्सप्लोर कर लूं, डूब जाऊं। अब देखते हैं कि कितना डूब सकते हैं हम। मज़ा आ गया लेकिन यार, मज़ा आ गया इस ट्रिप में, दिस इज़ अमेजिंग यार। मैं कभी नेपाल नहीं भूलूंगा दोबारा, पता नहीं आऊँगा कि नहीं आऊँगा, शायद आ जाऊँ, कब आऊँगा नहीं पता, कितने साल बाद आऊँगा नहीं पता, लेकिन अभी तो फ़िलहाल चुम्मा राइड है, चुम्मा यार, चुम्मा सही, इसलिए बहुत ही मज़ा है। चलो मिलता हूँ मैं आपसे, ये देखो क्या रोड आई है। अभी मुस्तैंग करने के बाद ना लगता है सब आसान है, इट इज़ एन ईजी केक वॉक, ऐसा है सब कुछ, केक वॉक की तरह एकदम स्मूथ जा रहा है। मुस्तैंग तो भाई ऐसा लगता था कि ऐसे पता नहीं क्या कक्कर पत्थर खिला दिए क्या मुँह के अंदर। एनीवेज जैसा भी है, मिलते हैं आपसे आगे। ओके, तो अभी बैठा हुआ हूँ मैं, आई थिंक यहाँ से काठमांडू जो है वो कुछ 2 घंटे और बचा हुआ है, मतलब 76 किलोमीटर। बारिश बहुत तेज़ हो रही है पीछे, तो मैं जो है अभी मैंने ऑर्डर दिया है यहाँ पर आमलेट का, और साथ में थोड़ा सा ठंडा वंडा कुछ पी के फिर आगे बढ़ेंगे। बारिश बहुत तेज़ है, मैंने कहा रुक जाते हैं क्योंकि रेनकोट अंदर रखा हुआ, उसको निकालना पड़ेगा, गाड़ी लगा दी है, थोड़ा सा ब्रेक हो गया है, तो अब इसके बाद फिर अपन आगे बढ़ेंगे काठमांडू की तरफ। मिलते हैं आपसे रोड पर, पहले मैं कुछ खा पी लूँ उसके बाद। गोप्रो जी रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लीजिए, क्योंकि हम एंटर कर गए हैं काठमांडू में। हमारा डेस्टिनेशन अभी भी लेकिन 13 किलोमीटर्स दूर है, जोस्टल हमें जाना है, गूगल सेट कर दिया है, और अब जा रहे हैं हम लोग जोस्टल की तरफ। ओहो क्या खूबसूरत है ये, देखो भाई एक नज़ारा पूरे काठमांडू का, ये है पूरा काठमांडू दिख रहा है दूर दूर तक, ये है नेपाल की राजधानी काठमांडू। फाइनली हमारा फाइनल डेस्टिनेशन, हमारा आखिरी डेस्टिनेशन, और पता नहीं अजीब फीलिंग है, कांट बी एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स, बट ओके मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। बीच में थोड़ी सी रोड ख़राब थी, बट आई थिंक ये
सबसे बेस्ट हाईवे था नेपाल का, मैं कहूँगा पोखरा और काठमांडू के बीच वाला, मतलब बहुत ही शानदार रोड और सीनिक व्यूज़ तो हमेशा रहते हैं पहाड़ियों में, तो उसकी कोई कमी नहीं थी। भर भर के व्यूज़ हैं, भर भर के फ़ोटो खींच लीजिए। और बीच में 100 या 200 मीटर बस काम चल रहा है, तो कहीं कहीं पर लैंडस्लाइड अगर हो रहे हैं तो वहाँ पर थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन चल रहा होगा और इसलिए शायद कभी कभी जाम लग सकते हैं। बाकी तो ऑन टाइम है, गूगल ने बोला 6 घंटे, हमने पहुँचे 6 घंटे, बीच में रुके भी तब भी हम 6 घंटे, क्योंकि हम थोड़ा सा अकेले हैं तो स्टॉप्स बार बार नहीं लेते हैं, फ्यूल ब्रेक नहीं लिया जो भरवाया था पोखरा में, उसके बाद अब यहाँ भरवाएंगे, लेकिन अभी भी फ्यूल काफ़ी बचा हुआ है। ओके, तो जब तक रिजर्व नहीं लग जाती तब तक हम चलाते रहेंगे और हम मिलते हैं अब आपसे आगे कुछ और सीनिक नज़ारों के साथ। वाह 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 यार, ये ब्यूटी, यूहू। और बस हम आने वाले हैं अपने इस हॉस्टल में। ये बोल रहा है लेफ्ट, यहाँ कहाँ लेफ्ट दिख रहा है इसको, ये इतना अंदर क्यों बनाया है इसको यार, यहाँ पर है लेफ्ट। और फाइनली यही है क्या हॉस्टल? तब तो नहीं है, ये है कि आगे है, देखना पड़ेगा। योग हॉस्टल लिखा है इस पे, बट वेयर द फक इज हॉस्टल? काफी सारे हॉस्टल, दिख गया पूरा हॉस्टल अपना। फाइनली हम पहुंच गए अपने हॉस्टल में। सो हियर वी कम। ओके, तो फाइनली रात के 11 बज रहे हैं, दिन में आया था मैं और मैं हॉस्टल में रुका हुआ हूँ। हॉस्टल में रुकने के बाद जो हुआ वो है बारिश ने पूरा काम तमाम कर दिया। आज के पूरा टाइम जो है वो सिर्फ और सिर्फ बारिश के मज़े लेते हुए निकल गया। अभी मैं थोड़ा सा खा पी के थैमल घूम के आ रहा हूँ और काफ़ी अच्छा लग रहा है गलियों में घूमना। वॉक करके ही गया था, वॉक करके आ गया हूँ, वापस जा रहा हूँ हॉस्टल में। हॉस्टल में जाके अब जो है मैं टांग पसार कर सो जाऊँगा और कल सुबह बारिश हो या ना हो फ़र्क नहीं पड़ेगा, जाके हम एक्सप्लोर करने वाले हैं अब काठमांडू को। चाहे कुछ है, नाइट लाइफ बहुत शानदार है, जिसको इंटरेस्ट है वो नाइट लाइफ बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकता है। मुझे भी इंटरेस्ट है, बट आई फील कि नहीं यार मैं एक्सप्लोर करने आया हूँ, एक्सप्लोर करूँगा तो मज़ा करेंगे अपन। और चलो पहुँच गया हूँ हॉस्टल, मिलता हूँ आपसे कल सुबह, फिर और भी कुछ फ़ोटोज़ वोटोज़ देखेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट।